हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर फाइव हमने उठाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 2, -6 और यह पॉइंट Q दिया है, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया है 10, -6 और 10, -16 और 6, यह कोऑर्डिनेट दिया है। अब इसको कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स प्लूरल वर्ड है, मतलब दो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। व्हिच ट्राइसेक्ट, इसको ट्राइसेक्ट करता है तीन इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट करता है, मतलब है कि यहां से यहां तक वन पार्ट, ये मान लो पी है, ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, यहां से यहां तक वन पार्ट, यहां से यहां तक वन पार्ट, यहां से यहां तक वन पार्ट, तभी वन पार्ट में, यहां से यहां तक वन पार्ट, फिर यहां से और यहां तक वन पार्ट, फिर यहां से और यहां तक वन पार्ट, ये वन पार्ट तीन पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो अगर हम आर पॉइंट को लेते हैं तो यह पॉइंट पी, यह पॉइंट क्यू, तो ये वन और रेशियो यहां से यहां तक टू होगा, यहां से यहां तक इसका रेशियो वन होगा और यहां से यहां तक रेशियो टू, क्योंकि सभी सभी इक्वल पार्ट है, वन पार्ट मिला करके टू पार्ट हुआ, वन पार्ट मिला करके टू पार्ट, ये हो गया यम इज टू यम इक्वल टू वन इज टू टू। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो लिखेंगे यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, ये होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2, इसको लिख रहे हैं x1 y1 z1 और ये होगा x2 y2 z2। तो एम एक्स पहले फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद से वैल्यू पुट करना, डायरेक्ट नहीं वैल्यू भर देना है, पहले आप फार्मूला लिखोगे उसके बाद से वैल्यू पुट करना होगा। तो लिखेंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। अब एम वाई टू प्लस एम वाई वन अपॉन एम प्लस एन, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन, वैल्यू हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। किसका निकाले? आर का। आर किसने डिवाइड करता है? वन और टू में, वन रेशियो टू में। तो एम का मतलब वन, एक्स टू यहां पर है 10, प्लस एन, एन का मतलब वन है, एक्स वन का मतलब 4 है, अपॉन वन प्लस टू। अब एम वाई टू, एम की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 2 को इसमें पुट कर रहे हैं, वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, एम का मतलब ये 1 है, एक्स टू मतलब 10 है, प्लस एन का मतलब 2 है, एक्स वन मतलब 4 है, अपॉन एम प्लस एन यानी कि 1 प्लस 2। अब एम वाई टू, एम का मतलब 1, वाई टू मतलब -16, प्लस एन का मतलब 2 इंटू वाई वन यहां पर ये 2 अपॉन एम प्लस एन मतलब 1 प्लस 2। अब फिर एम जेड टू, एम का मतलब 1 है, जेड टू मतलब 6 है, प्लस एन का मतलब 2,
जेड वन का मतलब यहाँ पर माइनस सिक्स है, अपान एन प्लस एन मतलब वन प्लस टू, वैल्यू फुट करके सॉल्व कर लो, ये हो गया टेन और ये एट टू फोर जाए एट्टीन अपान थ्री, ये आएगा माइनस सिक्सटीन और ये टू इंटू टू फोर माइनस सिक्सटीन प्लस फोर माइनस ट्वेल्व अपान थ्री, ये आएगा सिक्स और ये आएगा माइनस ट्वेल्व, सिक्स माइनस ट्वेल्व आएगा माइनस सिक्स अपान थ्री, थ्री सिक्स जा एटीन आ गया, थ्री माइनस थ्री फोर जा माइनस ट्वेल्व आ गया और थ्री टू जा माइनस टू आ गया, ये आ गया किसका क्वारनेट, आर का क्वारनेट आया। अब यस का क्वारनेट निकालते हैं, तो हम लिखते हैं फिर क्वारनेट्स ऑफ एस, एस का अब देखो यस कैसे डिवाइड करता है, यस यहां पर है तो यहां से यहां तक यस कहां पर, यहां पर है, ये वन पार्ट मिला करके टू पार्ट हुआ, यहां से यहां तक वन पार्ट मिला करके टू पार्ट हुआ और यहां से वो एक वन पार्ट, तो टू रेशियो वन हो गया, रेशियो चेंज हो गया, बाकी क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू सेम रहेगा, बस रेशियो चेंज हो गया, यहां पर वन और टू था और जब यस आ गया तो यस का निकालेंगे तो ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा टू पार्ट, ये हो जाएगा वन पार्ट, तो अब ये हो जाएगा एम, एम का मतलब टू हो गया, एम एक्स टू, एक्स टू ये टेन हो गया प्लस एन, एन का मतलब वन इंटू एक्स वन, एक्स वन मतलब फोर हो गया अपॉन थ्री, टू प्लस वन फिर कामा एम, एम का मतलब टू इंटू वाई टू, वाई टू मतलब माइनस सिक्सटीन है प्लस एन, एन का मतलब वन है और वाई वन, वाई वन मतलब यहां पर टू है अपॉन टू प्लस वन फिर काम, फिर एम, एम का मतलब टू है, जेड टू, जेड टू, जेड टू का मतलब सिक्स है प्लस एन, एन का मतलब वन है, जेड वन, जेड वन मतलब माइनस सिक्स है अपॉन टू प्लस वन, टू प्लस वन ये टू प्लस वन हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो, टेन टू या ट्वेंटी और ये फोर, ट्वेंटी आइए फोर हो रहा है, ट्वेंटी फोर आएगा, ट्वेंटी फोर अपॉन थ्री आया, ये आएगा माइनस थर्टी टू, माइनस थर्टी टू और ये प्लस टू, तो थर्टी माइनस थर्टी टू में से टू माइनस करेंगे तो माइनस थर्टी अपॉन थ्री आएगा, ये आएगा टू सिक्स या ट्वेल्व और माइनस सिक्स, ट्वेल्व में से सिक्स गया सिक्स अपॉन थ्री, आगे आंसर ये थ्री एट गया ट्वेंटी फोर, ये आएगा माइनस टेन और ये आएगा टू, आंसर हो गया।